इसकी हमारे टेस्ट राइड करने वाले हैं, कुछ चला के चेक करने वाले हैं कि ये बाइक जो है कैसे चलती है। और इसमें जो है हमने देख सकते हैं आप यहाँ पर पेट्रोल इतना हम डलवाएंगे, इसमें एक लीटर पेट्रोल है और यहाँ पर कंपनी ने इसमें एक लीटर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो अभी बैटरी कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं हुआ है, तो अभी बैटरी कनेक्शन होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कोई अभी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन करेंगे कोई पावर अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है ये बॉक्स यहाँ पर खुलेगा, कवर यहाँ पर, उसके अंदर बैटरी कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। तो इसको अभी बैटरी कनेक्शन होगा और इसका हम पूरा टेस्ट राइड करेंगे, चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसमें क्या मज़ा आता है कि नहीं आता है और पहले से कितना डिफरेंस है दोस्तों इसमें जो है, पहले के हिसाब से ये बाइक मतलब बेहतर है कि नहीं, चलने में क्या है, पिकअप भी बढ़िया है कि नहीं। और लाइट टेस्ट भी हम आपसे जो है दिखाएंगे आपको कि क्या बढ़िया लाइट पहले से है कि नहीं है, ठीक है। और चार गियर है तो माइलेज भी काफ़ी अच्छी देगी दोस्तों, तो माइलेज और सारी चीज़ें अभी हम जब चलाएंगे दोस्तों तो हम आपको बताएंगे इसके ऑल टोटल फीचर। तो अभी ये तैयार हो रही है और रेडी हो जाए तो अब इसका फिर भैया टेस्ट राइड करते हैं, देखते हैं क्या पावर है। हीरो ने जो बेसिस किया है तो फ्यूल इंजेक्टर और कार्बोरेटर का कुछ कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे नट आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें टाइट करने वाला। और इसको पूरी रेडी होगी तो अब एक एक करके दोस्तों सारी बाइकों की राइड रिव्यू करने वाले हैं कि ताकि जो है आप सभी को बेहतर बाइकों की जानकारी मिल जाए कि चलने में कैसा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो टोटल डिसीजन आप यहीं से ले सकते हैं कि बाइक जो है ख़रीदना चाहें तो आप बिल्कुल चला के भी इसमें आपको हम दिखा देंगे और पिकअप भी दिखाएँगे कितना बेहतर है, पहले से अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले इसका कनेक्शन हो जाए तो भी आप देखेंगे इग्निशन वहाँ पर आ जाएगा। अभी मैंने जो है दोस्तों एक दूसरी वीडियो में सुपर स्प्लेंडर बेसिस का राइड रिव्यू किया है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर, काफ़ी बेहतर है। उसको मैंने हर एंगल से चला के दिखाया है, पिकअप भी दिखाया है, उसके बाद फ्रंट और रियर लेफ्ट साइड यानी कि आप चारों तरफ से दिखाया है चला के कितना बढ़िया बाइक वो चलती है। और मुझे तो दोस्तों पहले के हिसाब से काफ़ी अच्छी बाइक लगी है, क्योंकि जब कार्बोरेटर था और इस यहाँ पर इंजेक्टर है तो काफ़ी अच्छा पिकअप है और माइलेज भी आपको बेहतर मिलेगा उस बाइक से। बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो भी हम टेस्ट राइड करेंगे तो हम आपको बताएंगे जो चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है बेसिस बाइक के साथ। बाकी बाइक ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, माइलेज थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मिलेगा और प्राइस तो बढ़ी है तो इसलिए इंजेक्टर इसमें जो लगाया गया है इसलिए, बाकी प्राइस की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको नए टेक्नोलॉजी यहाँ पर फीचर भी अच्छा मिलता है। तो बाइक समझ लीजिए हो गई है, बैटरी कनेक्शन हो गया है रेडी दोस्तों। और यहाँ पर अभी देखेंगे पावर आए कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आ गई है इस बाइक में, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एफ आई लाइट और न्यूट्रल अभी बाइक है यहाँ पर। और इंडिकेटर देखेंगे तो आप यहाँ पर इंडिकेटर भी कर रहा है इंडिकेट, तो ये बाइक बिल्कुल रेडी हो गई है, पेट्रोल डालना देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसमें हम पेट्रोल डाला जाएगा और उसके बाद टेस्ट राइड इसका करने वाले हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी कुछ पेट्रोल दे रखी है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोल शायद है इसमें, ये इधर देखो, अभी देखेंगे कि यहाँ पर है कि नहीं इसमें पेट्रोल, तो दिया है पेट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है राइड करने के लिए दोस्तों नहीं है, इसमें बिना और पेट्रोल डाले आप चला नहीं सकते हो। पेट्रोल है थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं, एक लीटर शायद है, तो अभी और डाला जाएगा एक लीटर। भैया पेट्रोल ज़्यादा था ना इसलिए इधर उधर गिर गया, अभी जो आप लोग डलवाएंगे ना तो ऐसे मत करना क्योंकि आज जितना टंकी में गया है कुछ ज़मीन पर भी गिरा है पेट्रोल, ठीक, डलवाने पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर इग्निशन आप देखेंगे तो कुछ आ नहीं हुआ क्योंकि एक दो लीटर इसमें पेट्रोल में कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक कि ढाई लीटर के ऊपर ना हो तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसका हम इंजन साउंड भी टेस्ट करते हैं, स्टार्ट करो भाई, तो हाँ 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 क्या साउंड हो गया, आवाज़ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसका रेस के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि नॉर्मल रेस रहता है, दो चार सर्विस होगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा भी नया इंजन है तो एकदम बढ़िया साउंड है, आप देख सकते हैं कोई इसमें कमी नहीं लग रही है।
इंजन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा पिकअप भी देखते हैं, तो चला के देखेंगे थोड़ा सा पिकअप इसमें क्या है। पहले गेयर डाल के चलाओ थोड़ा सा, उसके बाद टेस्ट राइड करते हैं। दोस्तों लाइट आप देख लीजिए, पहले लाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश लाइट है। तो अभी पहला गेयर में पावर देखते हैं, ये देखो भैया, अरे बाप रे, ठीक है, ओह माय गॉड, देख सकते हैं कि पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया बाइक है दोस्तों, मज़ा आ गया। तो अब इसका चलिए करते हैं, ये देखिए अब इसका करते हैं हम टेस्ट राइड, चला के दिखाते हैं कि क्या मज़ा आता है कि नहीं आता है। ये देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, अच्छा पिकअप आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम घोड़ा की तरीके से है, ठीक है। तो अभी इसका करते हैं राइड रिव्यू, चला के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए देख सकते हैं एकदम बिल्कुल दिल खुश कर देगी दोस्तों ये बाइक आपकी। चलिए फिर थोड़ा सा बात करते हैं राइड रिव्यू चला के, और उसके बाद देखते हैं क्या इसमें पावर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों राइड रिव्यू वाली आप दूसरे वीडियो देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। और इसका जो जो वीडियो है राइड रिव्यू वाला वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा ब्लॉग वाली वीडियो, आप चलते हैं इसका टेस्ट राइड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं।